हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के बारे में, एंड ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है हमेशा की तरह, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके हॉस्टल्स के फॉर्म्स कब आने वाले हैं, कैसे आप लोगों को हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, हॉस्टल अलॉटमेंट के अंदर प्रोसीजर क्या रहता है, एंड हॉस्टल्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती हैं। ये सारी डिस्कशन जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों की फ़ी पेमेंट लिंक ऑलरेडी आ चुकी होगी, फ़ी पेमेंट कर चुके होंगे, वो लोग हॉस्टल्स के लिए कमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि भैया अभी तो डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हुए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए बट फ़ी पेमेंट लिंक नहीं आई है। सो देखिए, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि फ़ी पेमेंट लिंक नहीं आई है या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं तो कितने टाइम में हो जाएंगे। लिंक जो है आप लोगों को कमेंट्स में मिल जाएगी और ऊपर आई टैब में भी आ जाएगी, उसको जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, हॉस्टल्स की बात करते हैं। देखिए यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें बहुत कम कॉलेजेस में हॉस्टल आपका अवेलेबल है। मतलब अगर 60-70 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अराउंड 60+ कॉलेजेस बोलते हैं, तो हॉस्टल आपको 15-20 कॉलेजेस में ही देखने को मिलेगा। एंड देन अगेन, जो 15-20 कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी अगर आप बात करोगे, सीट्स जो होंगी हॉस्टल की वो बहुत कम होती हैं। अगर टोटल कॉलेज की स्ट्रेंथ आप लोगों की 2,500-3,000 लगा लेते हैं, अगर टोटल स्ट्रेंथ 3,000 है, तो उसके अंदर से आपको हॉस्टल 200-250 सीट्स देखने को मिलेंगी जो ईयर वाइज बटी होती हैं। फर्स्ट ईयर की 100 सीट लगा लो, सेकेंड ईयर की 100 लगा लो, थर्ड ईयर की 100 लगा लो, तो अराउंड मान लो 300 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एंड अगेन जो है आप लोगों की कोर्स वाइज सीट्स डिवाइडेड होती हैं कि भैया हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए इतनी सीट्स हैं, फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए इतनी सीट्स हैं। एंड देन अगेन कोर्सेज के अंदर भी कैटेगरी होती है कि हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर 3 सीट्स हैं, एक जनरल वाले बच्चे के लिए, एक एसटी वाले के लिए, एक एससी वाले के, एक पीडब्ल्यूडी वाले के लिए, ऐसे मतलब कुछ कुछ अलग होता है सिस्टम, अंदर से डिवाइडेड होती है। अब हर एक कॉलेज में जो आप लोगों का रिजर्वेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफर करता है। कहीं पे ओबीसी को हॉस्टल का अलग जनरल के अंदर कंसिडर किया जाता है, कहीं ओबीसी का अलग से आप लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ये अलग अलग थोड़ा सा कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है स्ट्रक्चर आपके हॉस्टल्स का। अब इतनी कम सीट्स हैं एंड इतने ज़्यादा बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ रहते हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी बच्चे जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है वो बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स में या फिर पीजी बोल लीजिए उनके अंदर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आप लोगों को पीजी फाइंड करने की दिक्कत होती है। पीजी बुक करने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड अगेन आपको अपने कॉलेज के बच्चे के साथ रहना है, अपने कोर्स के बच्चे के साथ रहना है, जो कि आपको हॉस्टल में मिल जाते हैं वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। बट ड्यू बडी ऐप में अभी हम लोगों ने अकोमोडेशन फीचर लाइव किया है, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये है पहले तो आप लोगों को विदाउट ब्रोकरेज पीजी जो है वो हम लोग अवेलेबल करवा पाएँ, सेकेंड आप अपने कॉलेज और कोर्स के बच्चे के साथ रह पाएँ, वो ऑप्शन भी हम लोगों ने दे दिया है, फिल्टर ऑप्शंस आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएंगे। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने इसके अंदर जो मार्केट में अच्छे रिव्यू वाले पीजीज हैं यार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के मार्केट में बोल लीजिए, साउथ कैंपस के मार्केट में, हम लोग खुद 5 साल से यहाँ रहे हैं एंड बाकी बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं, सो उनके अंदर से हमने 250 अराउंड बेड्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, ताकि आप लोग अगर ड्यू बडी ऐप पे आके पीजी बुक कर रहे हो देन अगेन जो है आप लोगों को एक अच्छा रिव्यू मिले। ये नहीं है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, टीम ड्यू बडी के जो ऐप था वहाँ पे जा करके पीजी लिया था, तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि बेस्ट जो है आप लोगों को डिलीवर करवा पाएँ। सो इसकी जो है प्री बुकिंग हम लोगों ने ओपन कर रखी है, कूपन आपको मिल जाएगा अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो 500 रुपीज जो है आप लोग पे करके अपना कूपन जो है वो बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1,000 रुपीज ऑफ मिलेंगे जब आप यहाँ आकर के पीजी बुक करते हैं। तो अब हमारा क्या फ़ायदा है, हम यार डायरेक्ट पीजी ओनर से जो है हमारा जो भी टाई अप रहता है उनके साथ रहता है, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है फ्री रखते हैं, वहीं जो ब्रोकर होते हैं वो दोनों साइड चार्ज करते हैं। सो अब आप लोगों से छुपा के हम लोग नहीं चाहते कि नहीं हम फ्री में दिलवा रहे हैं, हमारा भी फ़ायदा है, लेकिन आपका ये फ़ायदा है कि आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी, बजट के अकॉर्डिंग मिलेगी, एंड आप लोगों को ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं कि हॉस्टल के फॉर्म्स एंड अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है। हॉस्टल के फॉर्म्स यार मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के हर एक कॉलेज के अलग अलग डेट्स को आते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने आज स्टार्ट कर दिए होंगे हॉस्टल के फॉर्म, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 2-3 दिन बाद कर देंगे, तो आप 15-16 तारीख तक रेगुलरली अपने कॉलेज की वेबसाइट को चेक करते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी
वो आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी हॉस्टल से रिलेटेड। एंड अलॉटमेंट की प्रोसीजर, जैसे आप लोगों का सीयूईटी हुआ एंड उसके बाद आपका ड्यू सीएसएएस के थ्रू आपके बेस्ट फोर एंड बेस्ट थ्री कैलकुलेट हुए, देन आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड हुए, सेम वे में हॉस्टल की अलॉटमेंट होती है कि आप लोगों को कोर्सेज जिस भी कोर्स में आप हो उस कोर्स में जैसे आपके बेस्ट थ्री लगे थे या बेस्ट फोर लगे थे वो मार्क्स आपके यूज़ होने वाले हैं। अगेन दो सीट हैं, तीन सीट हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, मेरिट आप लोगों की बनेगी, कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी एंड उसके बाद जो है आप लोगों को हॉस्टल की अलॉटमेंट होगी। एंड एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये रखते हैं कि दिल्ली में आपका घर नहीं होना चाहिए या फिर दिल्ली से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर घर नहीं होना चाहिए। वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने किलोमीटर का क्राइटेरिया रख रखा है हॉस्टल देने का। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हो। हॉस्टल के फॉर्म जो हैं लगभग किसी किसी कॉलेज के आउट हो चुके होंगे, नहीं तो किसी किसी कॉलेज के एक दो दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसे ही अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।